नीट यूजी में गड़बड़ी को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। वहीं बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट में नीट पेपर लीक केस में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार और एनटीए ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किए। वहीं केंद्र ने अपने एफिडेविट में बताया कि आईआईटी मद्रास ने नीट यूजी के रिजल्ट का डेटा एनालिसिस किया है। इसके अनुसार परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत नहीं मिले हैं, न ही किसी एक एरिया के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया है, इसलिए हम दोबारा परीक्षा नहीं करवाना चाहते। वहीं नीट काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी, ये 4 राउंड में की जाएगी। वहीं सरकार ने कहा कि बेबुनियाद शक के आधार पर रीटेस्ट करवाने से लगभग 24 लाख छात्रों पर बोझ पड़ेगा जो 5 मई को परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर किसी कैंडिडेट को परीक्षा में कोई फायदा मिला होगा तो उसकी काउंसलिंग किसी भी राउंड में या उसके बाद भी रद्द कर दी जाएगी।